आदि बद्री एक गौशाला में गायों की सेवा में जुटे समाज सेवी हरा चारा व मंडी से सब्जियां खरीद कर भेज रहे गौशाला। यमुनानगर के आदि बद्री स्थित गौशाला में आजकल गर्मी के चलते हरे चारे की कमी हो जाती है, क्योंकि इन दिनों में हरा चारा कम हो जाता है। इसको लेकर के समाज सेवी वहाँ रह रही गायों के लिए अपनी ओर से बाजार से हरे चारे के साथ मंडी से सब्जियां भी खरीद कर भेजने का कार्य कर रही हैं, जिससे खाने के बाद यहां की गाय तंदुरुस्त रह सके। इसी को लेकर के समाज सेवी आए दिन अपनी ओर से अपनी सेवा दे रहे। इसी पर पेश है आज की हमारी एक खास रिपोर्ट। नए सिरे से भूस घर का एक अभी निर्माण किया है अभी, और गौओं के लिए एक बड़ी सी सेट, क्योंकि पहले टीन की होती थी तो गर्मी के कारण वो टीन तपने लगती थी, ज़्यादा गर्म हो जाती थी, तो अब सारी सीमेंटेड चदरें डाल रहा और इनकी व्यवस्था को थोड़ा सा अलग अलग सेक्टर वाइज कर रहा कि बुजुर्ग अलग रहें, ब्यात वाली अलग रहें, दूध वाली अलग रहें, बछड़ी अलग रहे, ये सारी अलग अलग उनके लिए बना रहा हूँ। सारा तो एक यमुनानगर से हमारे दानी जी हैं रविंद्र बाबू, वो सब्जी भेजा करते हैं, वो चारा भेजा करते हैं और गौओं की ज़्यादातर व्यवस्था रखते हैं। और भी दानी सज्जन हैं जो जथा योग्य जो सहयोग होता है वो बोल पाते हैं, लेकिन ये जो सब्जी आती है गौओं के लिए, टमाटर है, मिर्च है, घिया है, खीरा है, ककड़ी है, मतलब सारी वैरायटीज़ की सब्जियां आती है, ये एक रविंद्र बाबू जी हैं, उनके शौक़ है कि हम गौओं को अच्छी से अच्छी खिलाएँ, तो ये उनके कारण मैं ये सेवा कर पाता हूँ। गवर्नमेंट की तरफ से साल में अभी इस बार 74,400 रुपये आए हैं भूस खरीदने के लिए, एक साल में 74,400 का भूस लिया लेना है, तो सरकार से जितनी बन पाती उतना सहयोग जो कर, जितनी भी बन पाती उतनी कर रही है। और भी अब आशाएँ तो बहुत सारी होती है लेकिन वो पूरी नहीं हो पाती जी। अब गौओं की सेवा है ये बहुत बड़ी सेवा है, और आजकल तो COVID-19 का जो चल रहा है कि लॉकडाउन चल रही है, लॉकडाउन में गौओं के लिए जहाँ मंदिर बंद है, जहाँ सभी धार्मिक संस्थाने बंद हैं, यात्रियों को आना जाना बंद है, वहाँ पर सिर्फ दानी सज्जनों के भरोसे ही ये गौशाला आदि बद्री में आज घास भी खाए रही है गौएं, सब्जी भी खाए रही हैं, चारा भी खा रही हैं, मतलब पूरी की पूरी आनंद में है, ये सिर्फ दानी सज्जनों के।